अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मुझे पता तुम थंबनेल देख के आए हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम भी इन्हीं 50% लोगों में शामिल ना होना जो सब्सक्राइब नहीं करते और बगैर देखे चले जाते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरू करते हैं। रोज की तरह जैसे तुम स्क्रॉल कर रहे थे और मेरी वीडियो तुम्हें मिल गई, मैं भी ऐसे ही सोचने लगा था और मैं स्क्रॉल करते 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 मुझे एक वीडियो मिली रिबिका खान एक्सपोज्ड, तो मैंने कहा देख लेते हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखी यार, इतनी कॉपी। जब मैंने ये सोचा कि यार इन्होंने इतनी कॉपी, यानी शर्म नहीं आई, फिर मैंने कहा तो टिकटॉकर्स हैं, तो मुझे याद आया टिकटॉकर्स का तो काम यही है लिपसिंग करना। चलो भाई, वीडियो मैंने यहाँ पे लगा लिया, तुम्हारी भी स्क्रीन पे वीडियो आ गई होगी। ठीक है, मैं छोटा हो गया हूँ यार, इतनी बड़ी लड़की आ गई है, सारे उसको देखने आ गए हो यार, भाई की कोई इज्जत नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगले लोग आ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो देखना, और जिनको इन्होंने कॉपी किया उनको भी देखेंगे। आई नो कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं शादीशुदा होके भी आप सबसे छुपाई ये बात। मुझे पता है गाइस, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मेरी मंगनी हुई भी है। और इस बात पे मुझे बहुत 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 अजीब। मैं तो कह रहा हूँ मैं भी यही काम शुरू कर लेता हूँ, कैरी मिनाटी वीडियो बनाएगा, मैं सेम वही वीडियो बना के डाल दूंगा, मैं भी कैरी मिनाटी जी तरह। ओ माय गॉड, 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओ माय गॉड, शर्म आ गई मुझे सोच के, मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। हेलो नील हार्ट, ओ सॉरी, हेलो हेटर्स। क्या बोला तू? लेकिन फिर भी एक दफा मैं आप सबको नहीं, अपने हेटर्स को हेलो बोल देती हूँ। क्या बोला तूने? आज की शाम मेरे हेटर्स के नाम। मगर क्यों? आज की शाम मेरे हेटर्स के नाम। मगर क्यों? ओ मीम तक वो ही लगा दिया भाई, मैं नहीं अपने सर पे मारा अभी, मैं कंगी करके हूँ, पागल हूँ मैं, तो मीम तक वही लगाई है। मगर क्यों? आपको तो पता है कि मैं सारे वीडियोस मेरे नील हर्ट्स के लिए बनाती हूँ, तो आज का वीडियो स्पेशली मेरे हेटर्स के लिए है। आप सबको पता है कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ वो मैं अपने फैंस रविकियंस और रवि सेनियंस के लिए बनाती हूँ, लेकिन आज वाली जो वीडियो है ना वो स्पेशली मेरे हेटर्स के लिए। यार इन टिकटॉकर्स को कोई क्यों नहीं समझाता कि कुछ तो कुछ इतना सा अपना ऐड कर लिया करो। ये रबीकियंस और ये रबीकी सीएन जमीनियंस जोनीसेंस, आज वाली जो वीडियो है ना वो स्पेशली मेरे हेटर्स के लिए है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आईपैड में है सारे कमेंट्स, मतलब के सारे हेट कमेंट। मुझे बचा ले। पहला कमेंट हमें किया है, मैं सोच रही हूँ नाम नहीं बताऊं क्योंकि नाम बता के थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए लेट इट गो, सिर्फ कमेंट रीड करते हैं। कोई चीज पढ़ाए, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुमने गौर किया है? ये देखो, देखा आईपैड ही बंद है, पीछे शीशे में नजर आ रहा है, आईपैड ही बंद है और इन्होंने आईपैड में कमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इन्होंने पहला कमेंट बल्कि पढ़ भी लिया है, पहला कमेंट पढ़ लिया, और ये देखो जरा, छोड़ो तुम सारी बातें छोड़ो, बंद आईपैड में इन्होंने कमेंट पढ़ लिया। यार ऐसा आईपैड मुझे भी चाहिए यार, मुझे आईपैड ला के दो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं वीडियो बना रहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं बना रहा हूँ। किया है, मैं सोच रही हूँ नाम नहीं बताऊँ क्योंकि नाम बता के थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए लेट इट गो, सिर्फ कमेंट रीड करते हैं। नाम नहीं बता रही, क्यों नहीं बता रही? अपने अकाउंट से बंदा इतनी तो मेहनत कर लेता है कि 2-3 फेक अकाउंट बना लेता है अलग अलग नामों के और उनसे कमेंट कर लेता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम टिकटॉकर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई एफर्ट कॉन्टेंट बनाते हैं, तो हम इतनी एफर्ट नहीं कर सकते, हमें पूरी एक वीडियो बनाने में 15 सेकंड लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम यूट्यूब की 8 मिनट की, यकीन करो किस्तों पे वीडियो पूरी किया और पूरी 8 मिनट की वीडियो, ताकि इस पर ऐड चल जाए। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि यूट्यूब की 8 मिनट से नीचे की वीडियो पे ऐड नहीं चलता, इसलिए 8 मिनट की वीडियो पूरी 8 मिनट की जिस पर ऐड चल जाए, तो समझ रहे हो
इतना ओवर एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग की दुकान यार, ये बहुत गलत बोला यार, मैं दुकान थोड़ी ना हूं, मैं ओवर एक्टिंग की शॉपिंग मॉल हूं जहां पे हर एक वैरायटी की ओवर एक्टिंग मिलती है, कोई कमी नहीं है मेरे पास ओवर एक्टिंग की, अगर आपको भी सीखना है आ जाओ मेरे शॉपिंग मॉल में, ठीक है लेके जाना थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग। तो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है ओवर एक्टिंग की दुकान। आपने ये गलत बोला है, मैं ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं हूं, मैं ओवर एक्टिंग का पूरा शॉपिंग मॉल हूं जहां पे हर तरह की वैरायटी ओवर एक्टिंग की, अगर आप लोग को भी चाहिए ना तो आ जाना, मुफ्त में मिलेगी। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया है अश्विन कर्मकार जी ने नौटंकी। एकदम सही बोले, तुम सच में बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। ठीक है मैं मान लेती हूं, नौटंकी करती हूं, पर ठीक क्या लिखा है यार आपने, NOTONGI नौटंकी खुल गया है, स्कूल भी जाया करो, सिर्फ मेरे वीडियो देखने से थोड़ी चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेना चाहिए, हेट कमेंट करने से पहले हर रोज स्कूल जाओ, स्पेलिंग सीख के आओ फिर हेट कमेंट करना। NOTONGI कौन है ये लोग, ये क्या लिखा है यार, स्कूल खुल गए हैं जाके स्कूल से पढ़ो, स्पेलिंग सीख के आओ फिर यहां हेट कमेंट करना। यार स्कूल खुल गए हैं, आप स्कूल गई होती तो आपको इतनी नॉलेज होती कि पीछे शीशा लगा है उसमें सब कुछ नज़र आ रहा है, चले इतनी भी छोड़ें, आप स्कूल गई होती तो आपको ये भी पता होता कि किसी की कॉपी नहीं करते, अपना थोड़ा सा बना लेते हैं, या अपने इंस्टाग्राम पे जो आपने इतने फॉलोअर्स रखे हैं उन्हीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेती। ओ माई गॉड NOTONGI, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आई हेट यू, वो भी गुस्सा होके काफी है। अरे यार अजय जी ने तो सिर्फ आई हेट यू लिखा था। अजय जी आई एम वेरी सॉरी, मैंने क्या क्या सोचा, यू हेट मी, आई हेट यू टू। कमेंट हमारे पास है आई हेट यू, व्हाट इज दिस HAT, आई हेट यू टू। इतनी कॉपी कभी तुमने किसी की देखी है? मैं कल से वीडियो स्टार्ट करनी है, तो कैसे हैं आप लोग, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, दिल्ले वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी रूह भी तो मैंने ही जलानी है। ओह माय गॉड, ओह फक, पहले मैं एक काम देख रहा था, दूसरी भी दिखा रही। अपनी एज के बारे में इतना झूठ क्यों बोलती हैं? 17 आएगा लोग भी झूठ बोलेगी। आप 17 साल की नहीं है, 17 साल की ही हूँ, इस साल में पक्का वाला 18 साल की हो जाऊंगी। मैं तो 17 साल की हूँ, पता ही नहीं आपको है, अगले साल 18 की होने वाली हूँ, आपको नहीं पता है, ये शर्म ही नहीं आती आप लोगों को। 17 साल भैंस की टांग यार, मैं अगर ये 17 की है ना, मैं तो फिर परसों पैदा हुई हूँ। आई एम 3 days old, यू नो, 1, 2, 3, नहीं बल्कि 2 hours and 3 hours later, फक ऑफ, में मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई। चलो गाइस, आई नो कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं शादीशुदा होके भी आप सबसे छुपाई ये बात, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, एंड इसीलिए आज मैं सबको, आप सबको बताने वाली हूँ कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, और ये वीडियो मैं मेरे पति के साथ बैठ के बना रही हूँ। ये रहे मेरे पति, मिल लिया। हाँ यार, पता नहीं यार प्रभाकांत जी को कहाँ से सपने आ गए कि मैं शादीशुदा होके आप सबसे छुपाई, मतलब कुछ भी, आप तो सपनों के सौदागर निकले यार। आपकी मंगनी 2 साल से हुई भी है, आपने ये बात अपने फ्रेंड से छुपाई भी है। मुझे पता है गाइस, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मेरी मंगनी हुई भी है, और इस बात में मुझे बहुत 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 अजीब फील हो रहा है कि ये बात मैंने अपने फैन से छुपाई, लेकिन अब खैर ये सच आप लोगों के सामने आ गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे आप लोगों को सच बताना ही होगा, और मिलवाना भी होगा अपने फियांसी से, मतलब अपनी मंगेतर से। ऐसे मिलवाना नहीं होगा, मैं अपने मंगेतर के साथ ही बैठी हुई हूं, ये है मेरे मंगेतर। हाय, हाय रिपब्लिकन्स, ओ सॉरी, हाय हेटर्स, मिल लिए, ये मेरे मंगेतर है आराम से। ओ माय गॉड, इतना रियल, इतना रियल कैसे कर लेती हो मैं जा रहा। अरे घर में बालू खत्म हो गए थे तो मैं ये चूक के ले आया, तो अब मैं भी आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। यार मैं आप सबको बताना चाहता था कि यार मैंने निकाह कर लिया है, मुझे पता है मैंने व्लॉग नहीं बनाया पिछले 5 दिनों से, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था, तो अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अपनी वाइफ से। Oh my God, ये रही वो, oh my God, ना हो गया ना मेरे पहन के, वैसे फक ऑफ, मेरे से नहीं होती।
तो अपनी वीडियो कर दी है इधर एंड, तो हम भी अपनी वीडियो को कुछ ज़रा नुकरे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पिछले दो व्लॉग में तुम्हारा ऐसा हैवी वाला सपोर्ट देखी है कि मैं कह रहा हूँ मैं अन्य वाह पागल हो गया था कि मैंने 5 दिन व्लॉग बनाने की जरूरत ही नहीं की। तो फिर जब हमें कंटेंट मिला तो हमने कहा आपको एंटरटेन कर दें, तो मैं अपनी नई शर्ट पहन कर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो ये वीडियो पूरी देखे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेडी चीज पे अखियो खोल।